दिस वीडियो इज ओनली एजुकेशन पर्पज। चलिए भाई लोग, आज के इस शानदार वीडियो में बताने वाला हूँ भाई लोग, अगर जो आप लोग तीन पत्ती का जुआ खेलते हैं, तीन पत्ती में बार बार पैसा लॉस हो जा रहे हैं, बार बार पैसा हार जा रहा है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में तीन पत्ती से रिलेटेड कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, जो भाई लोग अगर जो तीन पत्ती खेलते हैं और बहुत सारा पैसा हार चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो ये वीडियो उन भाई लोग के लिए। क्योंकि मैं बहुत सारा कमेंट देख रहा हूं कि सर मुझे तीन पत्ती का ट्रिक बताइए, तीन पत्ती में कैसे जीतना है, ठीक है। तो आज के इस शानदार वीडियो में भाई लोग मैं आपको तीन पत्ती खेल के साथ ही साथ ट्रिक बताऊंगा और पूरा मैं ट्यूटोरियल बताने वाला हूं, तीन पत्ती कैसे आप खेलते हैं, कैसे बार बार लॉस हो जाते हैं और कैसे आप विन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको तीन पत्ती खेल के और कुछ पैसा लगा के भाई लोग आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे टच कर लेता है बंदा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चार लोग पांच लोगों के बीच में खेल के दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे मैं पांच लोगों के बीच पत्ता डिवाइड किया हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना आपको, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है भाई लोग तीन पत्ती के अच्छे ट्रिक के लिए ये टॉपिक बना है, ये वीडियो बना है, तो आप लोग इसको पहले पूरे लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पांच बंदों के बीच मैंने पत्ता डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी सबसे बड़ी पत्ती मेरी ही आएगी, यानी ये जो पांचवें नंबर की है ये सबसे बड़ी पत्ती है और मेरी पत्ती है। कैसे लगी है, आप भी इस ट्रिक को करके जो भी पैसा आप जुए में हारे हैं, बर्बाद हुए हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे दोस्तों तीन पत्ती का जुआ खेलते हैं या फिर जुआ होता है, तो उसमें भाई लोग 5500 की जो ब्लाइंड की चाल है, जैसे मान लीजिए पांच बंदे हैं तो यहाँ पे 5500 की चाल मारेंगे तो 2500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे विन करके और ट्रिक बताऊ। मान लीजिए एक भाई, दो, तीन और चार, पांच, यहाँ पे पांच लोगों ने 5500 की चाल मार दी है। देखिए मैं आपको सब कुछ खेल के दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ या बना रहा हूँ आप लोग की एजुकेशन पर्पज के लिए, टाइम पास के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो कृपया आप लोग इसका गलत प्रयोग ना करें, इस ट्रिक से आप केवल अपने मनोरंजन के लिए खेल सकते हैं, भाई लोग के साथ एंजॉय कर सकते हैं, इसका कोई गलत प्रयोग नहीं करना आपको, ठीक है। तो चलिए, तीन तीन पत्ती मैंने 3-3 कार्ड डिवाइड कर दिया है पांच लोगों के बीच, सबसे बड़ी पत्ती है मेरी, अभी आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये तीनों बंदे जो है ब्लाइंड की चाल 500 मारा, फिर मैंने दोनों बंदे ब्लाइंड की चाल 500 यानी 2500 हो गया। अगर जो ये बंदा पत्ती सीन कर लेता है, जैसे चलिए इसकी पत्ती में सीन करता हूँ, देखता हूँ इस बंदे की पत्ती क्या है, टिक्की का जुट है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए इस बंदे का टिक्की का जुट है, तो ये बंदा सोचेगा मेरी बड़ी पत्ती है, तो ये बंदा अपना 1000 की चाल मारेगा, ठीक है। चलिए दूसरे बंदे की पत्ती में दिखाता हूँ, ये बंदा अपना सीन करेगा, तो इस बंदे की पत्ती कुछ नहीं लगी है, यहाँ पे 10 रहता तो रन हो जाता, यहाँ पे 7 रहता तो 9 तक रन हो जाता, तो बेस बस इसका ये बेगम तक हाई कार्ड है। तो भाई लोग आपके पास इस तरह की पत्ती आ रही तो आप एक भी पैसा नहीं चलना आपको, ठीक है, सीधे से गड्डी में पैक हो जाना है। चलिए तीसरे बंदे की पत्ती मैं सीन करता हूँ, तो देखिए दोस्तों इस बंदे के पास भी कुछ नहीं है, ये भी हाई कार्ड और बेस लेके बैठा है। अगर जो आपके पास इस तरह की भी पत्ती आ रही है तो आपको भी एक हाथ, दो हाथ, चार हाथ कुछ भी नहीं चलना है, आपको सीधे से गड्डी में पैक हो जाना है, क्योंकि दोस्तों आप चलेंगे तो पैसा हार जाएंगे, ठीक है। तो ये बंदा केवल 1000 चला है, लेकिन आप अगर जो पत्ती देख लिए हैं तो आपको भी 1000 चलना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप 1000 चलिए या तो गड्डी में पैक हो जाइए। ये बंदा भी पत्ती देख लिया है, चलना है तो ये भी 1000 चलेगा, नहीं तो गड्डी में पैक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चौथे बंदे की मैं पत्ती सीन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस भाई का पत्ती अच्छा लगा। अगर जो आपके पास इस तरह की पत्ती आ रही है 2-3-4, तो ये आपका अच्छी पत्ती यानी रन है, चौवा तक रन है, कच्ची रन है, क्योंकि ये बीच में ईंट आ गया है, डायमंड ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं 3, तो ये ईट आ गया है, ठीक है। लेकिन ये भी आपकी अच्छी पत्ती है, तो ये बंदा आपको 1000 की चाल ये भी मारेगा कि मेरा 1000 की चाल है। चलिए मैं फाइनली अपनी पत्ती देखता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है।
चलिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, वाह सुपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्री इक्का यानी तीन पत्ती का जुआ खेल रहे हैं। तो आप अपनी पत्ती सबसे बड़ी पत्ती कैसे लगा सकते हैं, इक्का का तिरेल, बासा का तिरेल, हुकुन का, गुल्लू का तिरेल, और आप पक्की रन, बड़ा प्योर रन, ये सब कैसे लगा सकते हैं आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ना, ये सबसे बड़ा तिरेल है, तो मैं भी 1000 की चाल मार दूंगा। ठीक है, मैं भी 1000 की चाल चल दिया। अब भाई लोग आप लोग ध्यान से देखिए, पांच बंदों में सबसे बड़ी पत्ती किसकी है, मेरी है ना, तो सबसे बड़ी पत्ती मेरी है तो मैं ही जीत रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें अगर जो ये बंदा चाहेगा तो ये सीधे से गड्डी में पैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पत्ती कुछ नहीं लगी है। चलिए ये बंदा भी पैक हो गया, और ये बंदा, ये गुल्लू और बासा हाई कार्ड है तो ये भी बंदा पैक हो जाएगा क्योंकि इसके भी पास कुछ पत्ती नहीं लगी है। ध्यान से समझना, इस तरह की पत्ती आपको पैक हो जाना है। ठीक है, दो बंदे पैक हो चुके, बचे तीन लोग। आप मान लीजिए इन दोनों में बात करें तो ये भी बंदा पैक हो जाएगा क्योंकि चिक्की का जूट है, तो जूट लेके ये कुछ कर नहीं सकता, जूट लेके आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे रन है चौवा तक, यहाँ पे तिरेल इक्का तक, तो हम दोनों के बीच का गेम हो। तो फिर भाई बोलेगा चलो मेरा 2000 पे शो करो या 2500 पे शो करो। ठीक है, तो अगर जो शो करने की बात आती है तो 2500 बंदा चल के शो करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ा इक्का का तिरेल मेरा है और इस भाई का क्या है, 2 3 4। तो इस बंदे का कुछ भी पत्ती नहीं लगा, इसलिए ये पत्ती मेरी बड़ी मानी जाएगी और 100% इक्का का तिरेल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा पैसा, यहाँ पे जो भी पैसा मैं लगा था सारा पैसा जीत चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ये तिरेल मैं कैसे लगाया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा लोग ही, तीन लोगों के बीच में यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप अगर जो जुआ खेलने जा रहे हैं, आपके साथ कोई दोस्त है, भाई है, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से तीन पत्ती में जीत जाएंगे। ठीक है, आपके साथ ज्यादा लोग ना रहे, आपका एक दोस्त है और जुआ खेलने वाले कितना भी लोग रहे तो आप आसानी से जीत जाएंगे। अभी ये देखिए जो इक्का का तिरेल है, इक्का का तिरेल ही मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ और ट्रिक और ट्यूटोरियल सब कुछ बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए तीन लोगों के बीच हो रहा है, पांच लोग या 10 लोग, ठीक है, लेकिन आपको इसी ट्रिक के माध्यम से करना है। चलिए समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ से एक पत्ती उठाइए, यहाँ से एक पत्ती और यहाँ से एक पत्ती, ठीक है, ये तीन पत्ती आपने उठा लिया। ठीक है, इसको इस तरह रखिए, ठीक है, फिर यहाँ से एक पत्ती उठाइए, फिर यहाँ से और यहाँ से, फिर ये तीन पत्ती यहाँ पे रख दीजिए, फिर यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, फिर यहाँ से, ठीक है, ये 3-3 कार्ड उठा के यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 9 कार्ड हो चुका है, 3 और ये 3 और ये 3, देखिए तीसरा कार्ड इक्का है, फिर तीसरा कार्ड इक्का, फिर तीसरा कार्ड इक्का, 9 पत्ती हो गया। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस गड्डी में मिक्स करना है। ठीक है, ये आपका जो 9 कार्ड है ऊपर है, अब अपने दोस्त को, भाई को बोलना है कि भाई तुमको कट नहीं करना है, उन्हें ऊपर से टच कर लेना, आप जितना भी फर्री मारना है फर्री लगा लो, ऐसे देख लीजिए, वहां पे आपके साथ जितने भी खेलने वाले हैं उनको भी नहीं लगेगा कि आप कोई चीटिंग कर रहे हैं या फिर कोई गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे फास्ट आप सफल कर लीजिए, और ध्यान से देखिए आपका जो पत्ती है वो नीचे है इसमें। ठीक है, फिर आप ऐसे चढ़ाइए, फिर भाई लोग को दिखाने के लिए फिर से आप एक बार और फर्री मारिए। ठीक है, अभी देखिएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर आप सफल कर दीजिए। ठीक है, जितना चाहे उतना सफल कर दीजिए, फिर ये जो नीचे की पत्ती है आप ऊपर चढ़ा लीजिए और बोल दीजिए भाई चलो मैं एक बार और फर्री लगा दे रहा हूँ, तुम ध्यान से देखो। ठीक है, ऐसे कर दो। ठीक है, और आपके साथ जो दोस्त है यार, उसको दूसरे लोग को ना पता चले कि ये लोग भाई हैं या फिर मिलजुल के खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उससे बोलो अपने दोस्त को भाई आप यहाँ पे टच कर लो, तो बंदा ऐसे टच कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीन लोगों के बीच आप 3-3 कार्ड डिवाइड कर दें, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आप चाहेंगे तो आप अपना बड़ा पत्ती लगा सकते हैं, फिर या दोस्त को चाहेंगे तो दोस्त की बड़ी पत्ती लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 3-3 कार्ड मैंने डिवाइड कर दिया। अगर जो दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्त है, यहाँ पे दोस्त है, तो आप अगर जो चाहेंगे तो दोस्त की बड़ी पत्ती लगा सकते हैं, अपनी भी बड़ी पत्ती लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही किसी को जिताएंगे ना, क्योंकि तीन पत्ती हो या कोई भी गेम एक ही बंदा जीतेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3-3 कार्ड मैंने डिवाइड कर दिया, जो भी पत्ती मैंने मिक्स किया था वही पत्ती आया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 तक रन है, ये 8 तक रन है और आपका इक्का का तिरेल लगा है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं सबसे बड़ी पत्ती, आप यहाँ पे चाहेंगे बासा का तिरेल
सबसे बड़ा रन, ठीक है, सबसे छोटा रन, आप चाहेंगे तो भाई का जो दोस्त है उसका छोटा रन लगा लीजिए, आप बड़ा रन लगा लीजिए, भाई का छोटा तीरे लगा लीजिए, आप बड़ा तीरे, बाकी जितने लोग हैं सबका छोटा पत्ती आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी पैसा होगा आप जीत जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी, ठीक है। और इस ट्रिक के माध्यम से आप 3 पत्ती का जुआ खेलते हैं तो सारा पैसा रिकवर कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा जो भी चीज पूछना हो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए धन्यवाद दोस्तों।